यार कुछ दिन पहले Realme का युआन स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है, और पहले से ही Realme का Realme 2 Pro है मार्केट में, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन बहुत सोचा और उसके बाद समझा कि Realme युआन ही परचेस करते हैं, वही ओवरऑल अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि 15,000 रुपीज़ के नीचे तो हम सब जानते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि Asus ZenFone Max Pro M1 काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है, तो Realme युआन खरीदे कि ZenFone Max Pro M1? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस कंपैरिजन को मैं जनरल रखूंगा और यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा इस वीडियो को, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। और आप एज ए कंज्यूमर जब एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर मैं इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपेरिजन करूँगा, जो कि ZenFone Max Pro M1 जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और Realme U1 जो कि अभी लॉन्च हुआ है और मेरे पास वो डिवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और मैंने अच्छे से डिटेल में इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में रिसर्च किया है, तो आपको मैं मिसलीड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक एज अ जनरल कंज्यूमर अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करेंगे तो सबसे पहले आप देखते हैं कि डिस्प्ले क्वालिटी और जो यहाँ पे पीछे की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है, ओवरऑल बाहर से दिखने में स्मार्टफोन कैसा है। तो अगर इन दोनों स्मार्टफोन को हम कंपेयर करें तो ZenFone Max Pro M1 के अंदर आपको सामने की तरफ 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल HD प्लस IPS पैनल मिलता है, जबकि आपको Realme U1 के अंदर एक 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला ड्यूडॉप नॉच सपोर्टेड वाला एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि IPS ग्रेड पैनल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सामने अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो ZenFone Max Pro M1 से तो Realme U1 बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, ड्यूडॉप स्टाइल वाला एक लेटेस्ट डिस्प्ले जो कि लेटेस्ट स्टाइल वाला डिस्प्ले है, और डेफिनेटली इसके अंदर क्वालिटी तो सेम होगी, लेकिन स्टाइल वाइज Realme U1 का डिस्प्ले इस ZenFone Max Pro M1 का डिस्प्ले को डेफिनेटली बीट करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पीछे की क्वालिटी की, जो कि बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब अपने फ़ोन को कैरी करते हैं तो आपका हाथ का एक फील भी इंपॉर्टेंट है, और लोग देख के आपके फ़ोन के बारे में क्या बोलते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ZenFone Max Pro M1 के अंदर आपको पता ही है कि पीछे यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन है, और मेरे पास ये 6GB का वर्जन है ब्लू कलर का, और ये काफ़ी बेहतरीन दिखता है, फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन है इसके अंदर। और अगर हम बात करें Realme U1 की, तो उसके अंदर आपको पीछे की तरफ देखने में तो दूर से या फिर अगर किसी और के हाथ में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो ग्लास है, लेकिन एक्चुअली वो ग्लास नहीं है, वो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना है, यानी कि प्लास्टिक ही है बेसिकली, और उसके अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम सा एक फील मिलता है पीछे की तरफ। तो ओवरऑल अगर सामने डिस्प्ले और पीछे की बिल्ड क्वालिटी को मिला के अगर हम बात करें Asus ZenFone Max Pro M1 और Realme U1 के बीच में कंपैरिजन की, तो Realme U1 बेस्ट है, बेहतर है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, लेटेस्ट डिज़ाइन वाला डिस्प्ले चाहिए, और पीछे भी आपको प्रीमियम फील और लुक चाहिए, तो आप Realme U1 को परचेस कीजिए। सो दोस्तों, उसके बाद इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाता है, और बाहर से तो आपने देख लिया कि आपको Realme U1 परचेस करना चाहिए अगर आपको बाहर में अच्छा लुक अच्छा डिस्प्ले चाहिए। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और अंदर का परफॉर्मेंस भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि बाहर का लुक। तो अंदर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस ZenFone Max Pro M1 के अंदर आपको जो चिपसेट मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 636 का चिपसेट, और इसके अंदर जो आपको GPU मिलता है वो है Adreno का 509 का GPU। तो ओवरऑल ये गेमिंग के लिए अच्छा है, ये मैं इसके अंदर पबजी, मेरा प्राइमरी फ़ोन ये है और इसके अंदर ही मैं सारा जो पबजी गेमिंग और जो कुछ भी थंबनेल डिज़ाइनिंग जो भी मैं करता हूँ इसके अंदर ही करता हूँ, और काफ़ी अच्छे से काम करता है। और पबजी इसके अंदर हाई और HD रेजोल्यूशन में चलता है, मतलब कि नीचे का जो फ्रेम सेटिंग्स है वो हाई और ऊपर का जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो HD में रख के मैं खेल सकता हूँ, और ज़्यादा लैग नहीं करता, लेकिन ट्रस्टली बोलो तो लैग करता है। तो आपको हाई और बैलेंस्ड या फिर हाई और स्मूथ में रख के ही खेलना पड़ेगा। तो सपोर्ट तो करता है लेकिन उतना स्मूथ नहीं है, मतलब कि सबसे मैक्सिमम सेटिंग्स के अंदर। और वहाँ पे अगर हम बात करें Realme U1 की, तो उसको तो मैंने प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनल स्पेसिफिकेशन वाइज भी Realme U1 ZenFone Max Pro M1 से बेहतर होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको MediaTek का Helio P70 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि लेटेस्ट है MediaTek का P सीरीज़ में, और यहाँ पे MediaTek का Helio P70 के साथ आपको Mali का G73 का GPU मिलता है, जो कि Mali G73 GPU एक पावरफुल GPU है, और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली उसके अंदर अच्छा मिलेगा। और ओवरऑल तो इंटरनल
फाइनली गेमिंग की बात करो या फिर कैमरा वाइज बात करो, मतलब कैमरा की बात नहीं करो लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करो, तो आपको रियलमी यू1 बेहतर मिलेगा इस जेनफोन मैक्स प्रो M1 के मुकाबले। ये तो दो चीज़ें हो गई। बाहर से अगर आप एक अच्छा गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहते हैं तो आपको रियलमी यू1 परचेस करना चाहिए, और अभी मैंने आपको बोल दिया कि अगर अंदर से आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर भी रियलमी यू1 हो गया। तो बाहर से अंदर से दोनों साइड से रियलमी यू1 अच्छा है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जेनफोन मैक्स प्रो M1 कहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे आता है इसका बैटरी। तो अगर इन दोनों स्मार्टफोन को हम कंपेयर करें तो जेनफोन मैक्स प्रो M1 के अंदर आपको एक 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो कि डेफिनेटली रियलमी U1 के अंदर जो 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी है उसको बिल्कुल ही टक्कर तो क्या इसको हरा ही देती है। और बैटरी के मामले में जो आपको पिक करना चाहिए वो है जेनफोन मैक्स प्रो M1। तो अगर आप एक ऐसा टाइप का पर्सन है जो कि मतलब कि अपने स्मार्टफोन को चाहते हैं कि एक दिन में आप बहुत बिजी रहते हैं और आप दिन में एक बार भी आपके पास टाइम नहीं है चार्ज करने के लिए अपने स्मार्टफोन को, तो जेनफोन मैक्स प्रो M1 आपको परचेस करना चाहिए। एक दिन के ऊपर आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगी इसके अंदर, अगर आप जनरल टू मॉडरेट टू हैवी यूसेज करते हैं तो। और वहाँ अगर हम बात करें रियलमी U1 की तो 3500 mAh की बैटरी है। हालांकि अगर आप हाई एंड गेमिंग और हाई एंड यूसेज नहीं करते तो एक दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको पुश अप करते हैं, मतलब कि पुश अप तो नहीं लेकिन उसको अगर थोड़ा सा पुश करते हैं और इसके लिमिट तक आप जाते हैं तो डेफिनेटली ये एक दिन तो बिल्कुल भी नहीं लास्ट करेगा। तो बैटरी के मामले में जेनफोन मैक्स प्रो M1 इज द विनर। सो दोस्तों अगर हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर की बात कर रहे हैं और कैमरा की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कैमरा की बात करूं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक कंपैरिजन होगी, क्योंकि कैमरा के मामले में ये एक सेगमेंट में अच्छा है और रियलमी U1 दूसरे सेगमेंट में अच्छा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, मैं आपको बोलता हूँ कि जेनफोन मैक्स प्रो M1 के अंदर आपको पीछे की तरफ 16+5 मेगापिक्सल का एक रियर डुअल फेसिंग कैमरा मिलता है और सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोज इस कैमरा से भी शूट करके दिया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी आई है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें रियलमी U1 से तो रियलमी U1 के अंदर पीछे की तरफ आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का सेंसर और सामने की तरफ आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का एक AI सपोर्टेड और बहुत सारे फीचर्स वाला एक सेल्फी शूटर, जो कि डेफिनेटली इस रियलमी U1 का हाइलाइटिंग फीचर है। तो वर्डिक्ट अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कैमरा सेगमेंट में, तो जेनफोन मैक्स प्रो M1 आप तभी परचेस कीजिए जब आपको पीछे की तरफ रियर फेसिंग कैमरा अच्छा चाहिए, और रियलमी U1 आप तब परचेस कीजिए जब आपको सेल्फी कैमरा अच्छा चाहिए। तो रियलमी U1 में सेल्फी कैमरा अच्छा है और जेनफोन मैक्स प्रो M1 में रियर कैमरा अच्छा है, तो आपको कौन सा कैमरा अच्छा चाहिए वो समझ के आप स्मार्टफोन को पिक कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि इस स्मार्टफोन के अंदर जो 15000 रुपीज़ वाला वेरियंट है इसके अंदर आपको 6GB का रैम मिलता है और 64GB का रोम मिलता है, और रियलमी U1 के अंदर जो आपको 14500 रुपये वाला वेरियंट है उसके अंदर आपको 4GB का रैम मिलता है और 64GB का रोम मिलता है। तो डेफिनेटली 2GB रैम उसके अंदर कम है लेकिन 500 रुपीज़ कम भी है, तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा कि रियलमी U1 के साथ जाइए, सब चीज़ों में वो अच्छा है, लेकिन अगर आपको बैटरी और रियर कैमरा अच्छा चाहिए तो बस इन दो चीज़ों के लिए आप इसको परचेस कीजिए। यही मेरा इस वीडियो का कंक्लूशन है। सो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको ये कंपैरिजन और मेरी ये जनरल सी कंपैरिजन है, मैंने ज़्यादा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं किया, बस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया है और बाकी सब जो कंपैरिजन था वो मैंने जनरल अपने मन से किया है। तो अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि अपना स्मार्टफोन को अपग्रेड करने के बारे में सोचते रहते रेगुलरली, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के अंदर ऐसे टाइप के वीडियोस इन फ्यूचर बहुत सारे लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।